राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई कांग्रेस की प्रदेश चुनाव कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में होगी, जो कांग्रेस के वॉर रूम हॉस्पिटल रोड पर 11 बजे शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित समिति के समस्त सदस्यगण भाग लेंगे। इसकी अध्यक्षता खुद समिति के अध्यक्ष डोटासरा करेंगे। ये चुनाव के लिए बेहद अहम समिति है, इसे लेकर कांग्रेस में बड़ी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उन सीटों पर पहले मंथन होगा जहाँ पर कांग्रेस बेहद कमजोर है, क्योंकि पार्टी का आला कमान भी चाहता है कि युवाओं को मैदान में उतारा जाए, इसलिए पार्टी की बैठक में इस पर भी चिंतन होगा। हालांकि चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव समिति बनने के बाद पहली बार ये बैठक होने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी कई सीटों पर युवाओं को लेकर उत्सुक है, उसमें से वो सीटें जहां पर कांग्रेस मजबूत है। सूत्रों का कहना है कि जयपुर संभाग की तिजारा से संदीप यादव, जयपुर की बंगरू के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर अलोरिया, सांगानी से प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, शाहपुरा से मनीष यादव, झुंझुनू की सूरजगढ़ से सत्येंद्र यादव का नाम आगे बताया जा रहा है। बकरू को छोड़कर ये सीटें कांग्रेस के पास नहीं है, साथ ही इन सीटों पर सर्वे में भी युवाओं को तरजीह दी गई है। अलवर सीकर जिले में भी कई सीटों पर युवाओं को फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ ही इस बैठक में चुनाव मैदान में उतरने वाले लोगों की प्राथमिक छटनी होनी है। आगे किस तरीके से उन सीटों पर चुनाव कराए जाए और कैसे काम किया जाएगा जिन्हें टिकट दी जाए, उनके बारे में भी मंथन होगा। इसे एक अहम बैठक माना जा रहा है। इसके बाद उन नामों पर चर्चा हो सकती है जिनके नाम सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। वो सीटें भी इसमें शामिल हैं जो कमजोर मानी जा रही हैं, क्योंकि अब लगभग सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और कुछ सीटों को छोड़कर बाकी सबकी स्थिति क्लियर होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश राजस्थान को अहम माना जा रहा है। दोनों जगहों पर सीटों पर हेरफेर होने के चांसेस पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि किसके पाले में कौन सा राज्य आता है, कांग्रेस जीतती है या फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज रहती है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।